हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति आईटीआई कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन, और उसके अंदर हमारा अगला और नेक्स्ट पॉइंट है भिन्नों का भाग करना। आज हमें भिन्नों के अंदर जो भाग होता है, हम उस भाग को सोल्व करेंगे, तो उस टाइप को हम सोल्व करेंगे। तो भिन्नों का भाग करना ये किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है, और हम अगर कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो हमें देखना है। हमारे डब्ल्यू सी एस के ये बेसिक के यूनिट हैं जिसको हमें अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके गाइज, तो मैंने भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों को गुणा करना ये सब सीखा, और इस टाइप में हम सीख रहे हैं भिन्नों का भाग करना। सीधी सी बात है, भिन्नों का भाग करना। तो यहाँ पे मैं आपको एक इसका तरीका लिखा रहा हूँ, उस पे आप फोकस कीजिएगा, उसके बाद में हमें क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइज, तो चलते हैं। इस क्रिया में जिस भिन्न से इस क्रिया में जिस भिन्न से भाग दिया जाता है, जिस भिन्न से भाग दिया जाता है, इस क्रिया में जिस भिन्न से भाग दिया जाता है उसको उल्टा करके, उसको उल्टा करके तथा पहली भिन्न से गुणा कर देते हैं। उल्टा करके तथा पहली भिन्न से गुणा कर देते हैं, पहली भिन्न से गुणा करे देते हैं, पहली भिन्न से गुणा कर देते हैं। ओके गाइज, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, और हमें क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्यू यू ई क्वेश्चन नंबर एक। तो क्वेश्चन ये है कि दो बट्टे पांच को चार बट्टे तीन से भाग करें। दो बट्टे पांच को चार बट्टे तीन से भाग करें। यह हमारा एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बाद में हमें आगे और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ओके गाइज, तो हम इसको सोल्व करते हैं। मैंने क्या किया, इसमें क्या बोला मैंने, जिस क्रिया में जिस भिन्न से भाग दिया जाता है उसको उल्टा करके तथा पहली भिन्न से गुणा कर देते हैं, पहली भिन्न से गुणा कर देते हैं। गाइजे, हमें क्या करना है, पहले इसको सरल रूप में लिख लेना है। दो बटे पांच है वो, दो बटे पांच, दो बटे पांच में भाग देना है किसका, चार बटे तीन का। कितनी बार जाता है वो हमें लिखना है। चार बटे तीन, दो बटे पांच, जिस क्रिया में जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको उल्टा करके तथा पहली भिन्न से गुणा कर देते हैं। हमारी ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, हम आगे क्या करते हैं, पहली उल्टा कर देते हैं। जिस क्रिया में जिस भिन्न का भाग दिया जाता है, इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो इसको उल्टा करना है। उल्टा किसको करना है, तीन, चार बट्टे तीन को। तो कितना हो जाएगा,
3/4, 4/3 को उल्टा करने पर, उल्टा करने पर, और जिस क्रिया में जिस भिन्न का भाग दिया जाता है उसको उल्टा करके तथा पहली भिन्न से गुणा कर दें। पहली भिन्न कितनी है? 2/5। जिस क्रिया में इस क्रिया में इसका भाग दिया जाता है, इस क्रिया में जिस भिन्न से भाग दिया जाता है उसको उल्टा करके तथा पहली भिन्न से गुणा कर देते हैं। हमने इसको उल्टा कर दिया और पहली भिन्न से गुणा कर दिया 2/5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम आगे इसको और सोल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा 3 × 2/4 × 5। 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 6। और 4 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 20। 4 × 5 = 20। हम इसको और सोल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 3/10, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम 2/5 के अंदर 4/3 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 3/10। कितना आता है गाइस? 3/10 आंसर आता है। ओके, हमें थोड़ा सा हार्ड लेवल पे और इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसी सीरीज का क्वेश्चन है गाइज, हम आगे इसको और अगला क्वेश्चन हमें और करते हैं। तो हमारा अगला जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपको समझना है, साथ साथ में आपको समझना है, बिल्कुल समझिएगा। कोई हाई लेवल की मैथ नहीं है, आपके इजी तरीके की मैथ है। तो चलते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? हमें क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है दूसरा, और वो गाइज इस प्रकार का दे रखा है कि 5/4, 5/4 × 8/9, 5/4 × 8/9 में भाग देना है किसका? एक सही 1/5 गुणा, सॉरी, एक सही 1/15 इंटू एक सही 1/10 का भाग का निशान दे दिया। गुणा का अगर आ गया तो गुणा करना तो हमने पहले सी के लिया था। आगे मैं ये इसको ये भी लिख सकता हूं, को सरल करें। हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहले गाइज गुणा वाली जो सीरीज है उसको हम सोल्व करते हैं, गुणा वाली को सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये तो हमारा सिंपल सा है ही, 5/4 × 8/9 भाग का निशान लगा दीजिए, और ये हमारा हो जाएगा 15 × 16। सोलह बट्टे 15 × 10/11, 11 को भी मैं सोल्व करके लिख सकता हूं। इसको भी मैं सोल्व करके लिख सकता हूं, 11/10। हमने क्या है, इन मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल लिया। ये मिश्रित भिन्न है, एक सही 1/15, एक सही 1/10, ये मिश्रित भिन्न है, हमने इसको सरल भिन्न में बदल लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, बोडमास के नियम से सोल्व करते हैं। इसमें बोडमास का नियम भी हमें लगा सकते हैं, सरल करना है। बोड मास ब्रिकेट को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर मैट्रिकुलेशन है क्या ये, और एडिशन को जोड़ेंगे, और सॉरी पहले क्या करेंगे, कोष्ट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ
ऑफ वाले का वो सोल्व करेंगे, यानी ऑफ होगा या का होगा उसको हम गुणा के निशान में लिख देंगे, फिर डिवीजन भाग करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे और फिर एडिशन जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे, तो ये बोर्ड मास के नियम से सोल्व हो सकता है, हमें सरल करना है। तो गाइज मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 5/4 इंटू 8/9 और मैंने क्या कहा उल्टा करना है, इसका भाग देना है तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा इंटू 15/16 और ये सेम है रह जाएगा गुणा वाला, ये और तो गुणा है, भाग तो इसी का देना है, भाग तो इसी का देना है, तो गुणा वाले को वैसे के वैसे लिख देते हैं 16/15 को उल्टा किया है यहां पे, ये याद रह जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 11/10 सिंपल। अब हम आगे अगर गुणा करें तो सीधी सी बात है गाइस ये है वो 2 से कट रहा है, और ये भी ये कट जाता है 5 से, ये 5 × 2 = 10 और ये 2 × 2 फिर कट गया, तो यहां पे ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, अरे भाग वाले को तो हमने सोल्व कर ही लिया, ऊपर क्या बचा 15 × 11 कितना बचा, 15 × 11 नीचे क्या बचा 9 × 16 9 × 16 कट नहीं रहा किसी से, तो हम गुणा कर देते हैं, 15 को 11 से गुणा किया तो कितना आया 15 × 150 और एक और गुणा करते हैं तो कितना आता है 165। 15 को 11 से गुणा करते हैं तो 15 × 15 कितना आता है 5, 6, 1, 165 आता है, तो 165 लिखा। 16 को 9 से गुणा किया तो कितना आया 16 × 2 कितना होता है 160, 160 में से 9 कम कर दीजिएगा, 160 में से 9 कम करते हैं तो कितना आता है, नहीं 16 कम करते हैं, 160 में से 16 कम करते हैं तो कितना आता है 16 × 144 ही होता है, 144 का भाग देना है कितने में 165 में, तो कितनी बार गया एक बार तो पूरा जाएगा और शेष पर कितना बचा 15 × 6 = 21 21 शेष पर बचा 21/144 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 5/4 × 8/9 = 1 / 1/15 × 1 / 1/10 को सरल करें तो हमारा आंसर आएगा 1 / 21/144 1 / 21/144। ओके गाइज आगे इसमें एक नियम आ गया बोर्ड मास, जिसमें क्या होता है ये नियम कब लागू होता है भिन्नों के अंदर हो चाहे सीधा हो, जब किसी क्वेश्चन में जोड़ भी दे रखा हो, गुणा भी दे रखा हो, भाग भी दे रखा हो, घटाव भी दे रखा हो, तो क्या होता है बोर्ड मास का नियम लागू हो जाता है, हम बोर्ड मास के नियम से बिल्कुल सीधे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा एक अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा लेकिन हमें सोल्व करना है। मैं यहां पे क्वेश्चन को लिख देता हूं 1/3 − 3 / 1/8 + 6 − 3/4
छोटा कोष्टक। दो सही एक बट्टे ग्यारह, सॉरी, दो सही ग्यारह बट्टे, दो माइनस ग्यारह बट्टे बारह, ग्यारह बट्टे बारह कोष्टक बंद, और ये बड़े वाला कोष्टक बंद। और आगे क्या कह दिया, को सरल करें, को सरल करें। सीधी सी बात यह है, हमारा आपको दिख रहा होगा, आप पे अगर ऊपर वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसका पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ओके गाइज, हम फोकस करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, और हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन सीरीज हमारी होगी, हम डायरेक्ट उसी पे फोकस करेंगे। तो हमारा ये हमें निकालना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, तीन नंबर क्वेश्चन को। तो हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं गाइज। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपको समझना है। हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहले क्या है, हम इसको सरल रूप में, हमें सरल करना है, हमें इसको सरल रूप में लिखते जाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्वेश्चन को क्या है, हल करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या किया हमने, एक सही तीन बट्टे चार माइनस ये जो है, ये वाली संख्या हम बाहर निकाल लेते हैं, बड़े कोष्ट को सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सही तीन बट्टे चार बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, और क्या करते हैं, अंदर वाली संख्या को लिख देते हैं, तीन सही एक बट्टे आठ प्लस कितना है छह, माइनस कितना है तीन बट्टे चार, तीन बट्टे चार। दो सही ग्यारह बट्टे बारह, ये क्या है कोष्टक में है, ये हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक चौक चौक और तीन सात बट्टे चार, माइनस का निशान है, ये कितना हुआ, आठ त्रि चौबीस है, 25/8 है, प्लस से छह माइनस से 3/4 छोटा कोष्टक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1 माइनस से 11/12, और ये हमारा बड़ा कोष्टक है, लग जाएगा ऊपर। उसके बाद में और सोल्व करें तो हम ये भी लिख सकते हैं आगे, 7/4, फिर ये बड़ा कोष्टक लग जाएगा। और ये 25/8 प्लस, यहां पे भी भाग देख सकते हैं, माइनस 3/4 और कोष्टक 2/1। अरे दो के अंदर एक का भाग देते हैं तो दो ही रहता है, लेकिन हमें सोल्व करना है, 11/12 हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। ये हमने किया। हमने ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि आगे संख्या को सोल्व करते हैं। तो हमारा ये जो संख्या है हमारी, आगे 7/4 का 7/4 ही रह जाएगा, बड़ा कोष्टक है वो लग जाएगा, और 25/8 रह जाएगा, प्लस 6/1 माइनस 3/4 ये रह जाएगा। और हम इस वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं, अंदर वाले को, तो क्या हो जाएगा, इसका बज्र गुणा होगा, तो 2 × 12, 2 × 12 निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस का लग जाएगा, और 1 × 11, 1 × 11 बट्टे लघुतम कितना था 12, तो 12 का 12 रह जाएगा। हम इसको सोल्व करते हैं, ये हमारा बड़ी वाला कोष्टक यहाँ पे
लग जाएगा। ओके गाइज, हम आगे और सोल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 7/4 बड़ा कोष्टक। पच्चीस बट्टे आठ प्लस 6/1 माइनस 3/4, हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आया है, 12 × 12, 12 × 2 = 24। 24 माइनस 11/12 हो गया, तो 24 माइनस 11, हम इसको और सोल्व करते हैं तो 7/4 माइनस 25/8 प्लस 6/1 माइनस 3/4, और इसको सोल्व करते हैं तो 24 में से 11 करते हैं तो कितना आता है क्या गुणा, तो यहां पे कोष्ट कटाएंगे तो गुणा है तो रह जाएगा कितना आया, यहां पे गाइज माइनस का निशान है, यहां पे क्या है माइनस का निशान है प्रत्येक में। ओके, तो ये 24 में से 11 कम करते हैं तो कितना आता है 13/12 12 आ गया। अब हमें और इसको सोल्व करना है तो हमें आगे क्या करते हैं, आगे और सोल्व करते हैं तो 7/4 माइनस 6/1/3 यानी हमें एक काट भी सकते हैं अंदर से, एक तरी तरी दूतरी छह, एक से कट गया, एक तो एक तरी तरी दूतर छह तीन तीन और चार तरी बारह चार से, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कोष्टक, तो ये लगेगा ही 25/8 प्लस 6/1 माइनस 1/4 इंटू 13/4, ये हमने काट दिया गुणा वाली को काट दिया। आगे हम क्या करेंगे, गुणा वाली को काट दिया हमने, आगे हम क्या करेंगे इसको वज्र गुणा कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे वज्र गुणा कर, इसको गुणा कर देंगे तो कितना आया, ये हमारा 7/4 माइनस 25/8 प्लस 6/1 माइनस कितना आया 4 और ये ऊपर वाले को गुणा किया कितना आया 13, और नीचे वाले को गुणा किया हर को तो 16, 4 × 16 और 13 को एक से गुणा किया तो 13, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 25/8 प्लस 6/1 माइनस 13/16 आ गया, और ये बार माइनस का है ही। हम आगे अगर और सोल्व करें तो हम इसका लघुतम लेंगे, ये गाइज 8 है, हमें यहाँ पे और सोल्व करें तो हमारा ये हो जाएगा 7/4 माइनस लघुतम लिया तो कितना आया 16, हम इसको लिख सकते हैं आगे 16 आया लघुतम। आठ में दो बार भाग गया, 16 में 8 का भाग दो बार गया तो 2 × 25 प्लस 6 में कितना गया 6 × 2 = 12, अरे ये हमारा रह जाएगा कितना रह जाएगा, ये नहीं करेंगे, हमें यहां से ही सोल्व करेंगे ऊपर वाले को, यहां से ही हमें लघुतम ले लेते हैं कितना गया, फिर 4 का भाग कितना गया 1, अरे ये सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा
चार का भाग 16 में कितनी बार गया? चार चौक 16। कोई टेप छोड़ रहा हूं क्या मैं? नहीं, ये भी होगी, ये आ जाएगा, सही होगी। 2 गुणा 25 प्लस से 16, 4 चौक 16 गुणा 6। आगे करना क्या है? ये माइनस का है तो ये गुणा हो जाएगा। अरे नीचे वाले को गुणा करो, ऊपर वाले को करो, गाई जी हो जाएगा माइनस से 1 गुणा 3। ये समझाऊंगा मैं आपको, ये हमें समझा देंगे साथ में ही। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कितना आया, पेज गिर गया था। 16 बटे, हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद में 25 गुणा 2 गुणा 25 प्लस 16 गुणा 6 और 16 गुणा 6 और वज्र गुणा ही तो हो रहा है। माइनस से 1 गुणा 13, तो हमें आगे और लिख देते हैं, 7 बटे 4 माइनस से अंदर वाला कितना है 25 को 50 प्लस से 16 छक्के 96 और 13 बट्टे में कितना है, 16 रहेगा, बट्टे में कितना रहेगा, 16 रहेगा। तो गाइस ये बट्टे में 16 रहेगा, हम आगे स्कोर सोल्व करके लिखें तो 7 बट्टे 4 ये हमारा आ जाएगा माइनस से 133 बट्टे 16, ये बाहर हो जाएगा माइनस वाला, ये पूरा आया इतना आ गया 116 बट्टे 133 बट्टे 16, हम घटाव उठो करके करेंगे तो। उसके बाद में हमारा आगे रहेगा ये 7 बट्टे 4 माइनस से 133 बट्टे 16, 133 बटे 16, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, गुणा कर देते हैं वज्र, 4 गुणा 16 माइनस 133 बटे 16, तो आ जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 माइनस 133 बटे 16, तो हमारा आगे आंसर होगा माइनस का 105 बटे 16। हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को 105 बटे 16 को माइनस 6 सही 9 बटे 16, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा माइनस से 6 सही 9 बटे 16। ओके गाइज, तो आप थोड़ी सी नीचे वाले भाग को सोल्व कीजिएगा, ये 7 बटे 4 माइनस 133 बटे 16 ये हमने सोल्व कर लिया, यहाँ पे 13 घटा दिया है, 50 और 96 जोड़ दिया है, और उसके बाद में 7 बटे 4 माइनस 133 बटे 16, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इधर गुणा कर लिया, ये नीचे वाली संख्या को गुणा किया 4 गुणा 16 और माइनस से नहीं, ये हमने जो 4 गुणा 16, 16 को 16, 16 दूनी 32, 28, 133, 16
एकम 16, 16 दूनी 32, ये कितना है 28 से 7 गुना 4 है गाइस, ये 7 गुना 4 होगा, यहाँ पे 7 गुना 4 7 गुना 4 7 चौक 28 और 133 और भाग दे देंगे उल्टा करके, 7 गुना 4 -133/16 जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा गाइज, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा हो गया, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को पूरे क्वेश्चन का, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक्स से देख लीजिएगा।